नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं की एक सामान्य प्रॉब्लम, मासिक धर्म का समय पर न आना, कम आना, या हर महीने की ये प्रॉब्लम है महिलाओं के साथ में, तो उनको हर महीने इस प्रॉब्लम से दो चार होना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको इसका एक रामबाण सॉल्यूशन बताऊंगा, एक बहुत आसान घरेलू नुस्खा जिसकी मदद से आप निश्चित तौर पर मासिक धर्म के लेट आने की प्रॉब्लम को, रुक जाने की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं, दोस्तों आप यहां पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता लें, इस बटन को दबा करके आप हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और रोज हमारे वीडियो देख पाएं, उनसे फायदा भी उठा पाएं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म की प्रॉब्लम की। अक्सर महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होती है, क्या उनका मासिक धर्म समय पर नहीं आ पाता है। इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया नुस्खा बता रहा हूं, इसका आपको प्रयोग करना है। मासिक धर्म से जो आपकी डेट होती है, एक्चुअल सपोज आपकी डेट 1 तारीख है मासिक धर्म की, तो आपको 20 तारीख से इसका प्रयोग शुरू कर देना है। और एक खास बात और बता दूं इसमें, क्या इस नुस्खे को आप वो लोग भी प्रयोग कर सकते हैं जिनका काफी समय से रुखा हुआ है, यानी कि 3-4 महीने से इनका रुखा हुआ है, 3-4 महीने में एक बार आता है, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जिनका इसी महीने रुखा है वो भी कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत अगर पुरानी भी आपकी ये समस्या है उसमें भी यदि इसका प्रयोग करते हैं तो भी आपको भरपूर फायदा मिलेगा। इसके लिए आपको 10 दिन पहले से इसको शुरू कर देना, 1 तारीख आपकी मासिक की डेट है तो 20 तारीख से आप इसका प्रयोग शुरू कर दें, और जो आपका डेट है 1 तारीख है उसके 1 दिन पहले से आप इसका प्रयोग बंद कर दें, आप अगले दिन आपका मासिक धर्म आ जाएगा। दोस्तों इसके लिए सबसे रामबाण दवा है हल्दी। हल्दी जो आपके घरों में पाई जाती, जनरली आप खाना वगैरह बनाने में जिसका उपयोग करते हैं तो हल्दी हमें चाहिए होगी। इसके लिए सबसे बेहतर चीज है कच्ची हल्दी, यह आपको किसी भी हाट बाजार में मिल जाएगी या वेजिटेबल मार्केट में मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है, वो साधारण चीज है। तो कच्ची हल्दी का रस आपको रोज 1 चम्मच खाली पेट 20 तारीख से पीना है 30 तक, और इसको बंद कर देना है, 1 को आपका मासिक धर्म नियमित तौर पर आ जाएगा। और कितना ही पुराना हो, मान के चले आपका 4 महीने से नहीं आया, या आपका बराबर 6 महीने साल भर से रुक रुक के आ रहा है, या कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है, कभी डेट बढ़ जाती कभी कम हो जाती, इन सभी स्थितियों में ये रामबाण है। इसके अलावा यदि आप कच्ची हल्दी की व्यवस्था ना कर पाए तो आप ले सकते हैं अपने ही घर में यूज होने वाला हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को आपको उपयोग करना है, 1 गिलास गर्म पानी लेना है आपको और उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। इसको भी 10 दिन पहले से एक जो सेम स्थिति है उसी स्थिति में करना है, यानी 10 दिन आपको लगातार इस्तेमाल करना है, और इसका प्रयोग मासिक आने के बाद भी आप कर सकते हैं, आप मासिक आने के 3rd दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी जो मासिक धर्म की हर महीने की प्रॉब्लम है कि रुक जाता है या समय पर नहीं आ पाता है, उन सभी स्थितियों के लिए ये एक बेहद रामबाण नुस्खा है। यदि आप कच्ची हल्दी का प्रयोग करते हैं तो पुराने से पुराना जो मासिक धर्म रुक जाता है एक एज के बाद में, वो भी आपका रेगुलर हो जाएगा। इसके सिवा भी इसके बहुत सारे फायदे, आप यूज करेंगे तो आपका खून भी साफ होगा, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। इसके सिवा हल्दी आपकी सेहत रंगत दोनों को सुधारती है, आपका चेहरा भी खिलेगा आपका रंग भी दिखेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर जरूर करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।